ये कंफ्यूजन हो सकती है कि वाई वी आर नॉट कैपेबल टू ऐड 1+1 एंड 3+2। तो लेट मी शो यू वन थिंग, आप सिर्फ फिगर पे कंसंट्रेट करिए। अगर आप हाफ प्लस हाफ फिगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक फुल सर्कल मिलेगा। इसके आंसर को आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हम कैलकुलेशन पार्ट पर आएंगे बाय दीज फिगर। आप अगर हाफ प्लस हाफ करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर कंप्लीट वन आएगा। लेकिन ये वन कैसे आया, क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर को प्लस कर लेते हैं और जो डिनोमिनेटर है अगर वो कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा बन जाएगा 2/2, जिसकी कटिंग करने पर आएगा 1। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल टू क्लियर दिस कंसेप्ट। फिगर में देखो 1/4 + 1/4। अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखें बिना कैलकुलेशन के, तो आप जानते हैं कि आपका आंसर आएगा हाफ। अब कोशिश करते हैं न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करने की। अगर आप उसी कंसेप्ट पे कि मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर देता हूँ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो आपका आंसर आएगा 2/8। और अगर आप इसको कट करेंगे तो डेफिनेटली 1/4 ही आएगा, जो कि रॉन्ग होगा। अब हम इसका एक अजम्पशन तैयार करते हैं, एक रूल तैयार करते हैं। मैंने देखा कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो मैं कॉमन ले लेती हूँ 4, और जो न्यूमरेटर है उसके लिए करेंगे 1+1 विच इज़ 2। अगर 2/4 की कटिंग करेंगे तो डेफिनेटली मुझे मिल जाएगा 1/2। यानी कि मैं इस रूल को बना सकती हूँ कि डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आप न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसी कंसेप्ट को, इस रूल को अप्लाई करते हैं इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास है डिनोमिनेटर 12 एंड 9। तो 9 और 12 का फटाफट एलसीएम ले लेते हैं। पहले 2 से डिवाइड करते हैं, देन 3 से। मेरे पास फैक्टर्स बने 2 × 2 × 3 × 3, इट मीन्स इट इज़ 36। अब मुझे इन दो डिनोमिनेटर्स को, जो कि 12 और 9 हैं, इनको 36 बनाना है। आपके पास फर्स्ट 2/9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक इट 8/36। 12 को भी 36 बनाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 3, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, एंड इट विल बिकम 15/36। नाउ आर फर्स्ट स्टेप हैज़ बीन डन, 36 बन चुके हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं और 8+15 करेंगे एंड वी गेट द फाइनल आंसर विच इज़ 23/36। सेम मेथड यूज़ किया जाएगा सब्ट्रैक्शन के लिए भी, लेकिन प्लीज़ ध्यान रखिएगा फ्रॉम का। फ्रॉम ही डिसाइड करेगा कि आपका ऑर्डर क्या रखा जाएगा। 6/5 पहले लिखेंगे और 4/5 बाद में, एंड देयर इज़ अ सब्ट्रैक्शन साइन इन बिटवीन। अगेन देयर इज़ अ सेम डिनोमिनेटर, कॉमन ले लीजिए 5, और 6 - 4 विल गिव यू 2/5 विच इज़ द फाइनल आंसर। टेक वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज है, बट सबसे पहले ध्यान रखना है ऑर्डर का। सबसे पहले लिखेंगे 2/3 - 4/7। 3 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। वी नो दैट कि दोनों ही नंबर प्राइम है, तो 3 7 = 21 इज द एलसीएम। अब मुझे 3 को भी 21 बनाना है और 7 को भी 21 बनाना है। उसके लिए मुझे 2/3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 के साथ, इट गिव्स यू 14/21, एंड 4/7 मल्टीप्लाई बाय 3. Now it is 12/21. Again the denominators are same, so we can take common 21 from both. Subtract the numerator 14 - 12. The final answer 2/21. Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel.